कैलकुलेशन ऑफ मोल में आज हम लोग फिर एक नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि इस ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इथेनॉल इज द सब्सटेंस कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, ठीक है, और इथेनॉल का हम लोग जानते हैं कि ये एक अल्कोहल है, और दिया है कि द डेंसिटी ऑफ लिक्विड अल्कोहल इज 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर एट 293 केल्विन। ये डेटा हमारे पास है, और भी दिया हुआ कि इफ 1.2 मोल ऑफ इथेनॉल इज नीडेड फॉर अ पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है और उस एक्सपेरिमेंट में हमें 1.2 मोल इथेनॉल की जरूरत है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल शुड बी मेजर आउट? तो जब हम इतना मोल लेते हैं इथेनॉल का, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चंस किया गया है, और हमारे को आंसर ऑप्शन दिया हुआ है कि 55.2 मिलीलीटर, सेकेंड ऑप्शन दिया है 57.5 मिलीलीटर, थर्ड ऑप्शन दिया है 69 मिलीलीटर, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है 47.9 मिलीलीटर। तो देखिए, अगर हम बात करें कि आखिर हमारे पास क्या क्या है, तो देखिए गिवेन, पहले हम डेटा को लिखते हैं, क्या क्या गिवेन है उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए गिवेन है हमारे पास, और वो चीज़ है, हम डी से डेंसिटी लिख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ इथेनॉल, और देखिए इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है, ठीक है, तो ये हमारा इथेनॉल है, और इथेनॉल का डेंसिटी दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन किया गया है, और ये टेम्परेचर मेंशन किया गया है कि ये टेम्परेचर है एट 293 केल्विन पे, ठीक है। और क्या दिया गया है, मोल ऑफ इथेनॉल दिया गया है, ठीक है जी, यहाँ पे मोल ऑफ इथेनॉल दिया गया है C2H5OH, और ये वैल्यू हमारे पास है 1.2 मोल, ठीक है। तो देखिए यहां से जो एक डेटा दिया गया है 1.2 मोल, इससे अगर हम चाहें तो अमाउंट निकाल सकते हैं, किसका, इथाइल अल्कोहल का। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि मोल जो होता है, ये मोल होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास। अब देखिए अगर आप इथेनॉल का मोलर मास देखते हैं C2H5OH, ठीक है, तो इसका मॉलिकुलर मास अगर निकालते हैं तो कार्बन का 12 होता है, और ये दो कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, हाइड्रोजन 6 है, देखिए एक 5 यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा, और इंटू 1 करिए, और प्लस आपके पास कितना है, 16 है ऑक्सीजन का, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 24 और प्लस 6 और प्लस 16, ठीक है, 24 और 6 को अगर आप ऐड करते हैं तो 30 हो जाता है, और इसमें 16 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 46 ग्राम, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे मास निकाल लें, क्या निकाल लें, अगर हम यहाँ पे मास निकाल लें तो ये फॉर्मूला आपको कुछ ऐसे आएगा, मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। अब देखिए मोल हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, 1.2
और अगर आप इसमें 46 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू मिल जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा 52 पॉइंट सॉरी 55.2 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मास निकल गया, अब हम डेंसिटी का हेल्प लेके वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी का हेल्प लेके आप क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। आप जानते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। तो हमारा मास कितना आया जी, 55.2, और डेंसिटी हमारा कितना है, 0.8 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हम लोग मिलीलीटर में, ये जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, मिलीलीटर में आएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो कैलकुलेट करके ये वैल्यू आपको आ जाएगा 69 मिलीलीटर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप आंसर देखिए तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया 69 मिलीलीटर। तो देखिए हम कैसे डेटा के हिसाब से हमने कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया।